यश, क्या वो भी किसी को स्पॉट करेंगे? मीनवाइल गॉडलाइक एक प्लेयर यहाँ पे नॉक जरूर हुए जेली के रूप में, बट उनको रिवाइवल मिल जाएगा जोन के बिल्कुल एज पे और जोन उनसे थोड़ा सा और अब दूर जाएगा। ओएसटी वर्सेस गॉडलाइक एक बैटल जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। एक टीम जो अपना कमबैक करना चाहती है और साथ में एक ऐसी टीम है जो बहुत बेहतर खेल रही है, लेकिन चलिए वो दूसरा ग्रेनेड हिट करेगा जेली का और इसी के साथ वो नॉक आएगा, बट आदित्य उनको टेक डाउन किए गए। टीम ओएसटी की बात करें, उन्होंने अभी भी गिव अप किया नहीं है, बट जी गॉड का वो ग्रेनेड वो हिटलर को डाउन करेंगे। जेली की बात करें, वो अभी भी कुछ बढ़िया थ्रोबल्स का इस्तेमाल करना चाहती है। एक 2v2 में कन्वर्ट हो चुकी है ये फाइट जहां पर रिवाइवल दिए जा रहे हैं, बट ये बेहतर ग्रेनेड आया जरूर। जेली की बात करें, उनको एक बार फिर से टेक डाउन किया जाएगा और अब जी गॉड ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ओएसटी। वो एक बढ़िया मोमेंटम जो उनके पास मौजूद है, 4 finishes ऑलरेडी आधी निकाल चुके हैं और अब डिवोटी उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी। जोन आने वाला है, क्या प्लेयर्स को रिवाइवल सही टाइम पे मिल पाएगा? क्या वो जोन के अंदर जा पाएंगे? क्या वो गॉडलाइक को हरा पाएंगे? बहुत सारे सवाल हम सबके मन में, बट जोनाथन बगी में बैठेंगे, स्मोक उन्होंने डाला, मुश्किलों में पड़ सकते हैं। यहाँ पे सीगोट को कवर देना पड़ेगा। चलिए जोनाथन कुछ हद तक स्प्रेज उनके ऊपर आए, बट जोन को पहले प्रायोरिटी करी जाएगी। बट ये बगी है जनाब, ये फिसलती भी है, टायर पंचर भी होता है, बट जोनाथन ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जीगॉड को भी फिनिश किया जाएगा और अच्छी बात यह कि एटलीस्ट वो सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं। ओएसटी वो दो अलग अलग एंगल से सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ईस्टर्न साइड से वो शॉट्स आएंगे, मिडिल एज पे ऑलरेडी मौजूद है, बट एक साथ आप देखिए उन्होंने सर्कल के अंदर एक बड़ा एरिया अपने कंट्रोल में लेकर के नहीं रखा है। एक अच्छा ग्रेनेड मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और डिवोटी के पास वो हाइट का एडवांटेज भी। चलिए वो ग्रेनेड आएगा और डाउनहिल के खाते से चिकन डिनर ओएसटी के पाले में जाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, वो बैक टू बैक बेहतरीन ग्रेनेड, बट डाउनहिल आपने किया तो किया क्या, ये चिकन डिनर उनका था, बट जस्ट लुक एट आई थिंक बहुत मेजर गलती थी, जबकि उनको ये सामने जोन था, ओपन इलाका है, वो पहले भी जा सकते थे जोन के अंदर जब बाकी टीम्स नहीं थी वहां पे, बट नहीं, उन्होंने जोन के अंदर जाने का निर्णय नहीं लिया, वो वहीं रुके रहे। ये पैसिव अप्रोच ना कभी कभी काम करती नहीं, और जैसा आपने कहा ना, बड़े चिकन चाहिए, जैसे ओएसटी ने निकाला इस मैच के अंदर। दिस इज अ ब्यूटीफुल चिकन डिनर जो निकाल के गई है ओएसटी। 7 finishes जो हमें डिवोटी के पास देखने को मिल रहे हैं, पूरा डिवोट कर दिया अपने आप को, ये चिकन डिनर उनके पास जाता हुआ नजर आएगा और एक बड़ा मुकाबला जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये